यार मैं बहुत ज्यादा शॉक में था और मैं बहुत ज्यादा रोया कि मुझे ये मेरे साथ हुआ क्या. Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. क्योंकि बिग बॉस से बाहर आने के बाद में मेरी आंखों से आंसू सिर्फ इसलिए निकले क्योंकि यार जिस चीज को मैंने अपनी तरफ से पूरा 2000% देने की कोशिश की उस शो में मेरे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. हाय, दिस इज अरहान खान, यू आर वॉचिंग मी ऑन indianexpress.com. माई जर्नी वॉज गुड लेकिन इट वॉज वेरी शॉर्ट और मुझे लगता है कि अगर ये जर्नी थोड़ी सी और लंबी होती तो आप लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. आई थिंक एवरीबडी इज सरप्राइज, एवरीबडी इज इन शॉक राइट नाउ कि हाउ दिस थिंग कैन हैपन. देखिए मुझे नहीं पता ये क्या रीज़न रहा होगा, अगर आप गेम भी देखें तो मैंने गेम प्रॉपर तरीके से खेला है, प्रॉपर तरीके से सारे टास्क किए हैं, मोस्ट डिफिकल्ट टास्क आई हैव परफॉर्म और मैंने उनको बहुत ग्रेसफुली जीता है और मतलब जीतने की भी जो हमारा रेशो रहा है वो 4-1, 4-0 से मैंने वो टास्क जीता था और वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था मैं आपको बता दूँ. लेकिन आई डोंट नो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ. आई थिंक ये बिग बॉस हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब इस तरीके से टास्क किसी ने जीता है और वो एविक्ट हो गया. बोल बच्चन का जो टैग मिला है वहाँ पे 8 टैग्स थे और सारे टैग्स जो थे वो बड़े अजीब टैग्स थे और वो किसी ना किसी को तो मिलने ही थे, राइट. अब ये बोल बच्चन का टैग जो है पहले घर वालों ने मिलकर बाबू को दिया था, कायर का टैग जो है वो ज़बरदस्ती मेरे गले में आके पड़ गया था जो कि मैंने पहनने से इनकार कर दिया था, राइट. वो सलमान साहब ने मेरे से जब बोला तब मैंने वो टैग अपने गले में डाला था, राइट. तो मुझे लगता है बोल बच्चन इज़ नॉट अ बैड वर्ड. बोल बच्चन का मतलब होता है कि बात बड़ी बड़ी बातें करना और आई थिंक मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूँ क्योंकि मैं उनको निभा भी पाता हूँ और मैं उनके साथ पूरे तरीके से जस्टिस करता हूँ. सो मैंने वो जो टैग लिया था बड़े प्राउडली लिया था एंड आई थिंक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो टैग लेने. सिद्धार्थ और पारस का कोई ग्रुप नहीं था एक्चुअली, ये कोई ग्रुप के नाम नहीं थे. मैं जो हूँ मैं सबके साथ में बैठता था. अगर आपने देखा तो मैं बाहू के साथ भी, हिंदुस्तानी बाहू के साथ भी काफ़ी बैठता था और मैं सना के साथ भी मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, आरती के साथ भी मेरी अच्छी दोस्ती थी, मैं सबके साथ में रहता था. लेकिन ये ग्रुप, ये जो लोग हैं इनको क्योंकि मैं पहले से जानता हूँ सब लोगों को. पारस मेरे साथ ऑलरेडी एक शो कर चुका है, रश्मि ऑलरेडी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, माहिरा इज़ अ स्वीट गर्ल, उसको अंदर जाके मैंने जब उसको देखा तो उसको देख के मुझे मेरी बहन की याद आई, छोटी बहन की. सो आई टोल्ड कि तुझे मैं जब भी देखता हूँ मुझे अपनी बहन याद आती है. सो माहिरा के साथ में मेरा एक अलग कनेक्शन था. सो इसलिए मैं इन लोगों के साथ में ज़्यादा बैठा करता था क्योंकि मैं इन लोगों को काफ़ी पहले से जानता था. देखिए मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी है ये मेरे लिए ही नहीं, ये जितने भी घर के अंदर कंटेस्टेंट थे किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ आ रहा है. ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो शो हम कर रहे हैं ये हिंदुस्तान का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है और हर इंसान ये चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से ये शो के अंदर थोड़ी सी अपनी रोटी भी सीख जाए. सो बेसिकली अमृता धनोआ जी कौन है मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता हूँ, मैं उनसे कभी नहीं मिला हूँ. और हाँ जो बात है मज़र शेख जो मेरा नाम है वो जेन्युइनली वो रियलिटी में मेरा नाम मज़र है क्योंकि मेरे जितने बैंक अकाउंट्स हैं और जितने मेरे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं वो सब मज़र के नाम से साइन होते हैं. एंड ये बात सबको पता है, रश्मि को भी पता है और मेरे सारे दोस्तों को पता है, राइट. कलर्स में भी ये बात ऑलरेडी पहले से सबको पता है. सो आई डोंट थिंक सो कि ये गलत है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मैं मेरा क्या नाम होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये मैं खुद डिसाइड करूँगा. और मैं अमृता धनोआ जी से बोलना चाहूँगा कि नाम बदलने से कोई इंसान फ्रॉड नहीं हो जाता. और अरहान जो है वो मेरा ही नाम है, मेरा निकनेम जो है वो अरहान था और क्योंकि वो नाम मुझे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता था, मुझे ज़्यादा पसंद था, इसलिए वो नाम लेके मैं इस इंडस्ट्री में आगे चला. मेरी जर्नी में सबसे बड़ा रिग्रेट यह है कि मुझे जिस तरीके से बाहर निकाला गया है आई डोंट थिंक सो कि मैं ये डिज़र्व करता था. और मैं ही नहीं, ये मुझसे जो इंसान मिल रहा है जिनको मैं जानता हूँ या नहीं जानता वो हर इंसान मुझसे ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है. तो मुझे खाली इस चीज़ का रिग्रेट है कि इतनी जल्दी मेरा सफ़र ख़त्म नहीं होना चाहिए था क्योंकि अभी मंजिल बहुत दूर थी और दिखाने के लिए बहुत कुछ बाकी था.